अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड आई होप सो आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, और अगर नहीं है तो ठीक हो जाएंगे। ओके सो आई नो आई एम सो लेट ऑन दिस, आई एम सो सो लेट ऑन दिस। आई बिन गेटिंग टन्स ऑफ मैसेजेस ऑन इंस्टाग्राम, ऑन टिकटॉक कमेंट्स कि हमें बता दें कि व्हाट्स द रेसिपी, व्हाट्स द रेसिपी। सो द कोरियन मास रेसिपी इज फाइनली हियर एंड आई एम सुपर सुपर एक्साइटेड, आई एम सो हैप्पी। आई वॉन्ट कि जो लोग भी आप मुझे देखो, आप ये ट्राई करो और मुझे बताओ हाउ डिड यू लाइक इट, हाउ डिड द एक्सपीरियंस गो। सो लेट्स नॉट वेस्ट मच टाइम एंड लेट्स गो। पहले हम लोग जो मेरी 7 days जर्नी थी विद इट, हम वो शेयर करेंगे, उसके बाद वी विल मेक इट एंड अप्लाई इट टू। सो लेट्स नॉट वेस्ट मोर ऑफ द टाइम एंड गो। सो दिस इज माई सेकेंड डे ऑफ द मास्क एंड आज मैंने इसको दही के साथ मिक्स किया है एंड 7 days। ओके सो ये मेरा थर्ड डे है विद द 7 day कोरियन ग्लास स्किन चैलेंज, और आज मैंने स्टार्च के अंदर बनाना डाला है एंड योगर्ट, बिकॉज 7 days मैं कुछ ना कुछ तो ऐड करूँगी बिकॉज आई विल गेट बोर्ड ऑफ द सेम मास। बट एक चीज़ जो हमने कॉन्स्टेंट रखनी है वो है हमारा स्टार्च। अच्छा तो ओके सो दिस इज़ माई फोर्थ डे विद द कोरियन ग्लास स्किन चैलेंज, और आज मैंने स्टार्च में अपने साथ यूज़ किया है वो है निर्वाणा प्रोटेनिक्स का एलोवेरा जेल एंड ऑर्डिनरी का वाइटामिन सी सीरम, सीरम नहीं पाउडर, हाँ दोनों की पिक्चर आई पोस्ट समवेयर एंड 4 days डाउन 3 months टू गो। ओके सो दिस इज़ द फिफ्थ डे ऑफ डूइंग माई कोरियन ग्लास स्किन चैलेंज एंड to be honest by the fifth day sirf aapko nahi people around you start noticing ki bhai kya laga rahi ho skin ke upar, tumhari skin to badi glow kar rahi hai, badi shiny ho rahi hai, the complexion bada acha ho jata hai aapka isse. So it's just not you but the people around you who watch it and aapko badi khushi ho rahi thi ki shukar hamare efforts rang la rahe hain. सो जब आप भी ये चीज़ अप्लाई करो बी कंसिस्टेंट अबाउट इट, बिकॉज मैं कभी भी इतनी कंसिस्टेंट नहीं थी इस मास्क को लेके, बट बिकॉज ऑफ यू गाइस आई एम क्वाइट वेरी कंसिस्टेंट। सो 2 days मोर टू गो। माई सिक्स्थ डे ऑफ अप्लाइंग द राइस स्टार्च, इट हैज़ मेड सच अ ह्यूज डिफरेंस। मेरी स्किन प्लम्प कर दी है इसने, मेरी स्किन लिफ्टेड कर दी है इसने, कॉम्प्लेक्शन इतना अच्छा हो गया है। If you apply this, you're gonna be a fan of this mask, I'm sure about. Okay, so meanwhile you were watching my 7 days journey, 7 days ऐसे कि जिस दिन मेरी वीडियो बूम ब्लोन अप हुई थी तो उसको मैंने 1 day काउंट किया, उसके बाद ऑनवर्ड 6 days मैंने काउंट किए हैं। तो उन 6 days में क्या था कि मैंने ये कंसेक्यूटिवली नहीं लगाया, आई स्किप्ड अ डे, एक दिन छोड़ के एक दिन मैंने लगाया। तो मेक श्योर जब आप भी लगाओ तो इसी तरह लगाओ इसको, एंड देन द मोमेंट ऑफ ट्रूथ, लेट्स डू इट टुगेदर। बिफोर आई अप्लाई द मास्क आई वांट टू मेक श्योर कि मेरा जो मुंह है वो अच्छे से क्लेंस्ड हो, सो आई विल बी यूजिंग निर्वाणा बोटैनिक्स दिस राइस क्लेंजर, इट्स सो गुड, इट मेक्स योर स्किन सुपर फ्रेश, सुपर ब्राइटन अप। सो पहले मैं इससे मुंह धोती हूँ एंड देन आई मास्क लगाएंगे। सो दिस इज द मास्क, ठीक है, एंड इट इज गूई एंड इट इज ठीक है। इसको आपने पूरे फेस पे अच्छे से लगाना है, ये हम लगाएंगे, इसके बाद हम इसको बनाना बताएंगे। आई लव टू अप्लाई दिस मास्क वेरी थिक, मुझे अच्छा लगता है कि मैं इसको थिकली अप्लाई करूँ अपनी स्किन के ऊपर। सो इफ़ यू वांट टू अप्लाई इट ऑन योर लिप्स गो फॉर इट, बट ये थोड़ा सा आपको कड़वा लग सकता है बिकॉज इसमें एलोवेरा है। मैंने अपने भाई को भी लगाया,
वॉज लाइक कि तू बना रही है मेरे लिए बना रही है. मैंने कहा ऑफ कोर्स दोनों ही लगाएंगे ना, ऑब्सेस्ड है वो इससे. आप लोगों ने मुझसे वादा करना है कि जो बंदा ये देख रहा है आपने लगाना है, आपने मुझे अगर इंस्टा पे टैग करना है मुझे इंस्टा पे टैग करो, अगर आपने मुझे फेसबुक पे टैग करना है, नहीं फेसबुक पे नहीं है, अगर आपने मुझे टिकटॉक पे टैग करना है मुझे टिकटॉक पे करें, आप मुझे पर्सनल मैसेज कर लें इंस्टा पे, बट मुझे बताएं ज़रूर और कमेंट करें इस वीडियो के नीचे कि हमने बना के लगाया एंड हाउ डिड यू लाइक इट, बिकॉज यू गोना लव इट. माई ब्रदर इज़ सो ऑब्सेस्ड विद दिस मास्क, वेन एवर आई अप्लाई सम ही इज़ लाइक मुझे लगा दे. ही रियली 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 लव्स इट बिकॉज इट इंस्टेंटली मेक्स योर स्किन लाइक है आपने जैसे फेशियल करवाया. सो लाइक हेम आई नो यू लव इट टू. अच्छा ये हमने लगा लिया सारा, अब हम मीन वाइल ये लगा हुआ है, हम इसको बनाने का तरीका आपके साथ शेयर करते हैं. सो लेट्स गो. ओके जी, तो हम बनाते हैं अपना वायरल कोरियन मास. इसके लिए आपको चाहिए रोज़ वाटर एंड आपको चाहिए चावलों का आटा. स्टोव के ऊपर आपने हल्की आंच पे क्या कहते हैं रोज़ वाटर डाल देना है, ठीक है. उसमें आहिस्ता आहिस्ता हम चावलों का आटा डालेंगे. एक साथ हमने नहीं डालना क्योंकि गुठलियाँ बन जाती हैं और फिर मुश्किल हो जाता है एक फ़ाइन पेस्ट बनना. तो हम आहिस्ता आहिस्ता आटा डालते रहेंगे और बिल्कुल बहुत स्लो आंच के ऊपर आपने इसको इसी तरह मिक्स करते रहना है जिस तरह मैं कर रही हूँ. फिर जिस तरह इसके बाद थोड़ा सा हम वेट करेंगे, थोड़ा सा आप इसको स्टे करने दें और उसके बाद हमने फिर इसको दोबारा मिक्स करना है जब तक हमें एक अच्छी सी कंसिस्टेंसी नहीं मिलती. फिर उसके बाद हम लोगों ने थोड़ा सा और, अगर आपको लगता है कि जो पेस्ट है उसको हम थोड़ा थिकन करने के लिए थोड़ा सा एक बैच के बाद दोबारा क्या कहते हैं चावलों का आटा डालेंगे और हम लोगों ने उसको ऐसी तरह फाइन पेस्ट में कन्वर्ट कर लेना है. इस थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता थोड़ी देर के बाद वो ड्राई होता जाएगा पानी और इस तरह एक फ़ाइन सा पेस्ट बन जाएगा. आपने अपने इस जब इस तरह का आपका पेस्ट हो जाए आपने इस चूल्हा बंद कर देना है और अपने हाथों की ताकत से इसको इस तरह ग्राइंड करना है एंड आपका पेस्ट ये तैयार है. इसको आप आराम से स्टोर कर सकते हैं एक हफ्ते के लिए. इसके बाद जो हमारा सेकेंड इंग्रेडिएंट है वो है एलोवेरा. जिस तरह मैं जहाँ से आपने एलोवेरा को तोड़ा है आपने वो जगह बिल्कुल काट देनी है, ठीक है. और इसके साइडों के एज भी आपने इसी तरह रिमूव कर देना है जिस तरह मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगी. इससे क्या होता है कि कुछ लोगों को इरिटेशन होने लग जाती है एलोवेरा लगा के, ख़ारिश होती है, तो इस तरह वो नहीं होगी अगर आप ऐसे कर लेंगे. बट स्टिल अगर आपको एलर्जी है तो आप इसकी जगह दही यूज़ कर सकते हो, शहद यूज़ कर सकते हो, आप किसी किसी की जगह साफ़रान यूज़ करते हो सकते हो, सैंडलवुड पाउडर यूज़ कर सकते हो, बनाना यूज़ कर सकते हो. कोई भी चीज़ जो आपको अच्छी लगती है आप इस राइस स्टार्च में डाल के अपने फेस के ऊपर लगा सकते हो. हर चीज़ मेजर चीज़ आपका राइस स्टार्च है, उसमें आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं, बट मुझे एलोवेरा के साथ पसंद है. आपने इसी तरह की कंघी लेनी है. हाँ मेरा भाई बस अपना आर्ट दिखा रहा है हर जगह. इस आपने क्या करना है, इसी तरह एक कंघी लेनी है और ये आपको कोई 40-50 रुपए की मिल जाएगी क्योंकि आपने जिस तरह मैं कर रही हूँ बिल्कुल उसी तरह बनाना है. तभी आपके जो पेस्ट है उसकी कंसिस्टेंसी बहुत स्लाइमी सी होगी और वो फेस के ऊपर अच्छे से स्टे कर सकेगा. आपने इस तरह इसको क्या कहते हैं आप जो भी है एलोवेरा का एक्सट्रैक्ट उसको अलग करना है इस तरीके से ना, बड़ा फाइन और बड़ा नॉन लिक्विडी और बड़ा टेक्सचर वाला एलोवेरा जेल आपसे निकलता है. एंड दिस इज़ द बेस्ट वे, आपको कभी भी एलोवेरा का जेल यूज़ करना आप इसी तरह से उसे निकाला करें बिकॉज इट इज़ वेरी वेरी कन्वीनियंट और एक बड़ा अच्छा स्मूथ सा टेक्सचर आपको मिलता है एलोवेरा जेल का. ये एलोवेरा जेल मुझे मिल गया. इसके बाद ये एलोवेरा जेल हम लोगों ने पेस्ट में डाल लेना है. आप किस तरह डालना है, आपने 2 चम्मच स्टार्च लेने हैं, जितने भी चम्मच आपको जितना लगाना है अपने फेस पे लगा सकते हैं, नेक पे लगा सकते हैं, आप अपने प्राइवेट एरियाज़ में इसको लगा सकते हैं, आप इसको अपनी बॉडी के किसी भी हिस्से पे लगा सकते हैं विदाउट एनी साइड इफ़ेक्ट. इट विल गिव यू द बेस्ट रिजल्ट्स. आप लोगों ने लिया, इसके अंदर जो हमारा एलोवेरा हमने एक्सट्रैक्ट किया है हम इसके अंदर डाल देंगे. लेकिन आपने एक बड़ा ना की है जो याद रखनी है, आपने इसको प्लेट के अंदर ही मिक्स करना है क्योंकि ये बड़ा आसानी से प्लेट के अंदर मिक्स हो जाएगा. अगर आप इसको किसी बाउल में करेंगे तो थोड़ा आपके लिए मुश्किल होगा, हो जाएगा लेकिन वो टाइम टेकिंग होगा, इसलिए आपने अच्छे से
प्लेट के अंदर डाल के इसको सर्कुलर मोशन में तब तक क्या कहते हैं इसको स्टर करना है जब तक एक अच्छा सा फाइन पेस्ट आपको नहीं मिल जाता। जैसे मेरा, अगर आप यही सिलिकॉन का चम्मच यूज़ कर लें तो आपके लिए ये प्रोसेस बहुत इजी हो जाएगा, बट अगर नहीं भी है तो आप हाथों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं ग्लव्स पहन के, इट इज़ टोटली ओके। तो आप ये देखें कितना अच्छा, ये पेस्ट इतना अच्छा है कि अगर आपको हाइपर पिगमेंटेशन है, आपको एक्नी है, आपको छाइयों का मसला है, आपको दाने हैं, या फिर आपको सन टैन हो गया है, कोई भी किस्म का मसला जल्द का, ये इस राइस पेस्ट से, इस स्टार्च से, इस मास से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, और आपको रिजल्ट सिर्फ एक यूज़ में विजिबली विजिबली दिखते हैं, ये मैं आप लोग को गारंटी देती हूँ। तो आप लोगों ने बस देखना है और इसको फ़ौरन जाके बना लेना, देखें कितनी कितनी अच्छा सा ये एक सा पेस्ट बन गया है। इसको आप जब लगाएं और जब रिमूव करें, मैं आपको एक मशवरा देती हूँ, इसको टॉवल के साथ आपने रिमूव करना है, और बस आप लोगों ने मुझे कमेंट्स के अंदर ज़रूर बताना है कि आपको रिजल्ट्स कैसे लगे, क्योंकि आप लोग हैरान हो जाएंगे। ओके, सो आई जस्ट वॉश्ड माई फेस एंड कैन यू लुक द अमाउंट ऑफ फ्रेशनेस इट गिव्स टू योर फेस। होल प्रोसेस, हाउ यू गाइज शोड सो मच लव ऑन दिस मास्क एंड आई एम ग्लैड कि आई मेड ऑल ऑफ यू अ पार्ट ऑफ माई पास्ट, दैट माई दादो का ये फेवरेट मास्क था एंड द वे शी वुड मेक इट, इट्स सो होलसम एंड आई एम सो श्योर आप लोग को ये बहुत बहुत अच्छे लगेगा बिकॉज इट्स वन ऑफ द बेस्ट मास्क यू कैन एवर ट्राई फॉर योर स्किन। सो डू नॉट फर्गेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड अगर आप ये मास्क ट्राई करो, अगर आप ये वीडियो देखो तो यू हैव टू ट्राई माई मास्क एंड कमेंट डाउन बिलो कि आप लोगों ने ये ट्राई किया है और आप लोग को ये कैसा लगा, अच्छा लगा, एंड जस्ट शेयर योर एक्सपीरियंस, आई वुड लव टू हेयर इट आउट। Until then, for more amazing masks, please subscribe my channel. And until next time, अपना सब ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।